चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। फ्लूइड जो है, फ्लूइड हम लिक्विड को भी फ्लूइड कह सकते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड जो होता है, और दूसरा हम गैसेस को भी फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जैसे एयर है वो भी फ्लो करती है, वाटर है वो भी फ्लो करता है, दोनों फ्लूइड्स हैं। अगर हम और डिटेल में जाएं, फ्लूइड मैकेनिक्स इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज स्टैटिक और सेकेंड वन इज डायनेमिक, ठीक है। पहला स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। जब हम फ्लूइड एट रेस्ट की बात करते हैं, जब फ्लूइड रेस्ट पोजिशन में है इसका मतलब स्टैटिक की बात कर रहे हैं, जब फ्लूइड मोशन कंडीशन में है इसका मतलब हम डायनेमिक की बात करते हैं। अच्छा, डायनेमिक कंडीशन के अंदर भी जब फ्लूइड हम प्रेशर फोर्सेस को अगर कंसिडर नहीं करते हैं, मोशन को तो कंसिडर करते हैं लेकिन प्रेशर फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं करें, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम उन प्रेशर फोर्सेस को भी कंसिडर करें मोशन के साथ साथ, उसको बोलते हैं डायनेमिक या फिर काइनेटिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं, फ्लूइड को बोलते हैं हिंदी के अंदर द्रव, मैकेनिक्स को यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी एक साइंस की एक ब्रांच है जो कि फ्लूइड के बिहेवियर पर नज़र रखती है या उस पर उसका अध्ययन किया जाता है बिहेवियर का। इसमें भी एक स्टैटिक होती है जिसको स्थितिकी बोलते हैं और दूसरा डायनेमिक्स होती है जिसको गतिकी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की, हम बात कर चुके हैं। फ्लूइड के अंदर लिक्विड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं और गैसेस को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब हमको पहचानने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं कि फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो जिसको घनत्व कहा जाता है, डेंसिटी, और यदि फर्स्ट हम कंसिडर करें मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, इसको बोलते हैं द्रव्यमान, इसको आयतन, द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको डेंसिटी कहा जाता है। और चूंकि हमने मास लिया है इसलिए मास डेंसिटी भी कहा जाता है। मास को हम मेजर करते हैं केजी के अंदर और वॉल्यूम को मीटर क्यूब के अंदर, तो इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब, और इसको नोट किसे किया जाता है, डिनोट किया जाता है रो से, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम और इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब। यदि हम दूसरी बात करें वेट डेंसिटी की, वेट डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू, या तो मास लिया था, अगर हम वेट ले लें मास की जगह, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वेट क्या होता है? जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास के साथ में कंसिडर करते हैं वो वेट बन जाता है, ठीक है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब मास को तो हमने एम से डिनोट किया ही था, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी उसका सिंबल क्या है, जी, और लेते कितना है 9.81, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रो वेट, ठीक है ना, इज इक्वल टू एम इंटू जी अपॉन वी, और एम अपॉन वी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसको तो हम क्या बोलते थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसको तो रो बोलते थे, ये स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा रो जी, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू रो जी, ठीक है। फिर थर्ड हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर इसको इस डेंसिटी को उल्टा कर दें हम, या तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, डेंसिटी को उल्टा कर दें वॉल्यूम पर यूनिट मास ले लें, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास। अब देखिए यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम पर यूनिट मास हो गया, मतलब मीटर क्यूब पर केजी हो गया, और इसको हम वन अपॉन रो भी कह सकते हैं,
फिर फोर्थ जो है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं किस किस का रेशियो होता है। ये हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब एक मानक द्रव, मानक, ठीक है ना, जिसको हम स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। अगर हम फ्लूइड लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स में स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेते हैं, हम एयर को लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमको गिवन हो उस फ्लूइड की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की, अगर लिक्विड का केस है तो वाटर की डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ जाएगी, ठीक है। और अगर गैसेस की निकालनी हो तो हम नीचे जो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो गैसेस की लेंगे, एयर के लिए, ठीक है ना, एयर लेंगे गैसेस के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो प्रॉपर्टी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तो एक बेसिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसके बाद में एक जो है प्रॉपर्टी आती है दैट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। और अगर हिंदी के अंदर देखें तो इसको कहते हैं हम श्यानता, ठीक है। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके मार्ग में बाधा पहुंचाना, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, ये एक प्रॉपर्टी जो होती है विस्कोसिटी होती है। सपोज कीजिए कि ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है और अगर इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल देखें हम, इस प्रकार से वेलोसिटी प्रोफाइल होती है इसकी, मतलब जैसे ही हम डेप्थ में जाते जाएंगे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती जाएगी, उसका वेग कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लूइड जो है लेयर्स के रूप में फ्लो होता है, ठीक है ना, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, इस प्रकार से। मान के चलते हैं कि ये एक लेयर है और इसकी वेलोसिटी यू है। अब इसके ऊपर जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी इस लेयर से ज़्यादा होगी, इसका मतलब जैसे ही डेप्थ में जाएंगे हम तो लेयर्स की जो वेलोसिटी है, फ्लूइड्स की जो फ्लूइड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है, धीरे धीरे कम होती जाएगी स्लाइटली। और अगर ऊपर इसकी एक एडजेसेंट लेयर मानते हैं हम और इसकी वेलोसिटी यू प्लस डी यू मानते हैं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत न्यून, मतलब बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस मानते हैं, जिसको डी वाई से प्रोड्यूस डिनोट करते हैं हम, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिसको यू हमने कह दिया है, इस प्रकार से इस तरफ फ्लो हो रहा है, ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। तो अब ये दोनों लेयर है, अब ये देखिए नीचे वाली लेयर जो लोअर लेयर है वो ऊपर वाली लेयर पर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी, और ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर पर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी, और इन दोनों के फलस्वरूप जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर एक स्ट्रेस डेवलप होगी, और उस स्ट्रेस को कहते हैं हम सीयर स्ट्रेस, ठीक है ना, उसको स्ट्रेस को बोलते हैं सीयर स्ट्रेस, ठीक है। और देखिए ये जो सीयर स्ट्रेस है किसके प्रोपोर्शनल होती है, अगर इन दोनों की बात करें तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी डिफरेंस कितना हो गया डी यू, और कितनी डिस्टेंस पर हो रहा है डी वाई डिस्टेंस पर, तो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस हमको मिलता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है। डी यू अपॉन डी वाई एक वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और सीयर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम टॉ से, तो हम कह सकते हैं इस विस्कोसिटी के लिए टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du upon dy। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम कह सकते हैं tau इज इक्वल टू एक कॉफिशियंट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं म्यू इंटू du upon dy, ठीक है। अब ये म्यू क्या है, ये म्यू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी कॉफिशियंट, डायनेमिक विस्कोसिटी कॉफिशियंट, ठीक है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी कॉफिशियंट की यूनिट क्या होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि टॉ इज प्रोपोर्शनल टू म्यू इंटू डी
टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको एक हम इस प्रकार से बोलते हैं सियर स्ट्रेन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सियर स्ट्रेन, क्योंकि ये सियर स्ट्रेस के कारण डेवलप हुई है, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ सियर स्ट्रेन। तो सियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सियर स्ट्रेन या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। म्यू की बात करते हैं इस रिलेशन को लेकर, और म्यू की एक यूनिट देखते हैं कि इस म्यू की यूनिट क्या है। हमको पता है टॉय इज इक्वल टू म्यू इनटू डीयू अपॉन डीवाई, डीयू अपॉन डीवाई, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया टॉ अपॉन डीयू अपॉन डीवाई। फटाफट देख लीजिए टॉ क्या है, सियर स्ट्रेस है, सियर स्ट्रेस। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यू डीयू जो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। अब हमको पता है सियर स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया, तो हम इसको कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी की यूनिट देखें हम, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, तो हम लिखेंगे लेंथ पर यूनिट टाइम। और चूंकि इसके डिवाइड में है डिस्टेंस, तो हम वन अपॉन डिस्टेंस या वन अपॉन लेंथ कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर इसको हम लिखें इसके नीचे, तो आ जाएगा वन अपॉन लेंथ, ठीक है, ये हो गया लेंथ, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में वन अपॉन लेंथ यहाँ हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, लेंथ से लेंथ हम काट देंगे, हमारे पास में निकल कर आएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम वापस लिख देते हैं फोर्स, और जो एरिया है उसको हम देखिए, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो लेंथ का अगर स्क्वायर करते तो एरिया की यूनिट हो जाएगी, तो हम लिख देते हैं लेंथ का स्क्वायर। और यहाँ पर जब आप देखोगे इसके डिवाइड में वन अपॉन टाइम है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, टाइम को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में एक यूनिट निकल कर आ गई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और लेंथ की मीटर, और उसका भी स्क्वायर करना है। तो म्यू की यूनिट जो हो गई, म्यू की यूनिट हो गई न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, ये है एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो, या फिर हम एमकेएस यूनिट की बात करें तो दोस्तों एसआई यूनिट में फोर्स का जो मात्रक है, फोर्स का जो, फोर्स की जो यूनिट है उसको न्यूटन कहते हैं, ठीक है ना, केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, क्योंकि केजीएफ फोर्स, ये किलोग्राम फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, बाकी चीज सेम रहेगी, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर अगर सीजीएस की बात और कर लेते हैं, सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और सेकेंड, तो ये जो हमारा न्यूटन था ना, इस न्यूटन को कन्वर्ट कर लेते हैं हम, वन न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास जो हम केजीएफ में लेते हैं, तो सीजीएस यूनिट में हम किस में लेंगे, ग्राम के अंदर। तो अगर हम एक केजी फोर्स अगर हम यूज करते हैं, तो वन केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स इनटू अगर एक्सेलरेशन। अब चूंकि एक्सेलरेशन हम किस किसके अंदर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर किस में लेना है हमको, सेंटीमीटर के अंदर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया मास और एक्सेलरेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये दोनों हमने कन्वर्ट कर दिए ग्राम और सेंटीमीटर के अंदर, बाकी चीज सेम रहेगी, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने। अब इस न्यूटन को हम किस में रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू थी 9.81 इंटू 30 यहाँ, 20 यहाँ है, तो कितनी टोटल जीरो हो गई, 5 जीरोज, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो थी
ये वाली वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं डायन, इसको बोलते हैं डायन। ठीक है, तो हमने केवल और केवल न्यूटन को चेंज किया अभी, तो बाकी हमारे पास में दोनों यूनिट अभी भी हैं। मतलब हम कह सकते हैं सी जी एस में म्यू की यूनिट जो हो गई 9.81 इंटू 10000। ठीक है, इतना तो है, मल्टीप्लाई बाय डायन, सॉरी ये हो गया डायन, इस पूरी को हमने बोल दिया डायन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को भी तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है इसका मतलब 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे हम, और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 200 हैं, इन दोनों से 4 जीरो कट जाएगी, हमारे पास में आ जाएगा 98.1 डायन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पॉइज, इसको क्या कहा जाता है पॉइज। तो हम कह सकते हैं, यहां लिख देता हूं, इसको हम कहेंगे 9.81 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 98.1 पॉइज। इसका मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को इधर रख लेते हैं तो ये नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 98.1 अपॉन 9.81 पॉइज। ठीक है, इसका मतलब ये 10 टाइम्स कट गया, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। और अगर एक पॉइज की बात करें, 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से पॉइज की यूनिट आई, जिसको सीजीएस यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में काइनेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अभी जो बात की थी वो तो डायनेमिक थी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, म्यू अपॉन रो। और दोस्तों म्यू की यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है डेंसिटी की, मीटर सॉरी केजी इनटू केजी अपॉन मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब अपॉन केजी, इस प्रकार से आ जाएगा। ये न्यूटन को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में। तो न्यूटन को जब केजी में कन्वर्ट करोगे तो न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज केजी इनटू मास, केजी के अंदर हो गया, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको एज इट इज रख दोगे यहां पर, केजी इनटू मीटर, और नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो केजी से केजी आप काट दोगे, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब एक बार काट दोगे, यहां से मीटर बच गया, और नीचे देखिए ऊपर सेकेंड है, यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसकी यूनिट आ गई हमारे पास में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और इसको स्टोक्स में चेंज करते हैं तो स्टोक्स मतलब वही सीजीएस यूनिट, तो 10^-4 स्टोक्स, स्टोक्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।